एक दिन चुन्नू के घर में आटा समाप्त हो गया। चुन्नू के पापा आटा लेने गए। जब वे आटा ला रहे थे कि उन्हें पड़ोसी का ख्याल आ गया। उन्होंने साइकिल से आटा का कनस्तर उतारा और पड़ोसिन को आवाज़ दी। क्या हुआ, एक दिन चुन्नू के घर में आटा ख़त्म हो गया था। तो चुन्नू पापा आटा लेने गए। जब वे आटा ला रहे थे तो उन्हें अपने पड़ोसी का ख्याल आ गया। तो उन्होंने साइकिल से उतरकर जो आटे का कनस्तर वो लाए थे उन्हें पड़ोसी को आवाज़ दी। वे आई तो बोले, बताओ इसे कहाँ रखवाना है। पड़ोसिन कुछ समझ ना पाई, परंतु वे कनस्तर उनके रसोई घर में रख आए और बोले, जब फुर्सत मिले खाली कनस्तर लौटा देना, इससे आगे ना कुछ पूछना और ना बताना। उन्होंने उनसे क्या कहा, जब फुर्सत मिले तो ये खाली कनस्तर दे देना, इससे मुझे मेरे से ना कुछ पूछना और ना बताना। अवाक पड़ोसन उन्हें जाते हुए देखती रही। वे पुणे बाज़ार गए और अपने लिए थैले में थोड़ा आटा लेकर लौटे। वो दोबारा बाज़ार गए और अपने लिए केवल थैले में थोड़ा सा आटा लेकर आए। चुन्नू के पापा कहते हैं कि वे घर में रहकर घर के प्रति दायित्व का निर्वहन करते हैं, परंतु समाज में रहकर सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना भी उतना ही आवश्यक है। जब चुन्नू के पापा घर में रहते हैं तो अपना घर का कर्तव्य निभाते हैं, और जब वो समाज में रहते हैं तो समाज का कर्तव्य निभाते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है। सभी लोग उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो छिपकर लोगों व पशुओं की कठिनाइयों का पता लगाते हैं और उनकी सहायता करने में पीछे नहीं रहते। सब लोग उन्हें किस रूप में जानते हैं कि वो छुपके से, ऐसे दिखावे से नहीं, सिर्फ छिपकर लोगों और पशुओं की कठिनाइयों का पता लगाते हैं और उनकी कठिनाइयों को दूर करने में उनकी सहायता करते हैं। इसके बदले उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उनका दिल ही ऐसा है। क्या आपको अच्छे लगे चुन्नू के पापा? चुन्नू के पापा को कुछ नहीं चाहिए, बस वो जो करते हैं दिल से करते हैं और उनको ये सब करना अच्छा लगता है। और मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है कि आपको भी अच्छे लगे चुन्नू के पापा? आप लोगों को भी और हम सबको भी ऐसे ही बनना चाहिए। हमें अपने घर पर भी हेल्प करनी चाहिए और जो हमारे नेबर हैं उनकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए। और दिखावे से कुछ नहीं करना चाहिए, जो भी करना है हमें अपने दिल से करना है। ओके, थैंक यू।